And PCS. बात करते हैं दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि प्रिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक दोस्तों सिर्फ प्रिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको ध्यान से रिवाइज कर लेंगे बारह से तेरह बार तो आपको मध्य प्रदेश का जो मैप है वो आपके दिमाग में छप जाएगा ठीक है हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स पहले जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो दोस्तों बात करी थी हम लोगों ने कि मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि इसकी उसकी सीमाओं से जुड़ते हैं तो हमारे सामने आंसर ये आया था कि कुल मिलाकर पांच राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं के साथ जुड़ते हैं उसकी बाउंड्री को टच करते हैं हमने पढ़ा था यूपी राजस्थान महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और गुजरात और छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग हुआ है राइट पता है आप लोगों को ये वाली बात अब हम अब हमने दोस्तों देखना क्या है थोड़ा सा उसी टॉपिक को एक प्रो लेवल पर जाते हुए थोड़ा सा एडवांस हमने हमने बनना है राज्य वही देखने अब ये देखने हैं हैं अब मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कौन कौन से जिले हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि जो राज्य मध्य प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते हैं उनको टच करती हैं आई रिपीट मध्य प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश के बाउंड्रिंग स्टेट्स को टच करते हैं ठीक है सबसे पहले यूपी से शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो एक फैक्ट ये निकल कर आता है यूपी एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है यानी कि मध्य प्रदेश के साथ पांच राज्य उसकी सीमा के साथ लगते हैं चिपकते हैं सबसे कम एरिया जो मध्य प्रदेश के साथ लगता है जिस राज्य का वो गुजरात है अब जब मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एरिया लगना और सबसे कम एरिया लगना इसका मतलब ये कि कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश को टच करती है आई रिपीट जितनी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करेंगी मध्य प्रदेश की सीमाओं को किसी बगल के राज्य के साथ तो यानी कि बगल के राज्य राज्य जो है उसका उतना ज्यादा एरिया एमपी को टच करता है और जिसकी और मध्य प्रदेश की जितनी कम डिस्ट्रिक्ट्स बगल वाले राज्य को टच करेंगी तो यानी कि बगल वाले राज्य की सीमा उतनी कम लगती है मध्य प्रदेश के साथ ऑब्वियस ही बात है ये ये बात समझ में आई जो मैंने बोला बताओ सबको क्लियर है ये वाली बात डिस्कस करना शुरू करें हम इन डिस्ट्रिक्ट को तो देखते हैं यूपी के अंदर तेरह कुछ ऐसी एमपी की डिस्ट्रिक्ट जो कि टच करती हैं यूपी के बाउंड्री को ठीक है तो यहां पर हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं मोरैना भिंड दतिया शिवपुरी मुरैना भिंड दतिया शिवपुरी एक आराम आराम से देखते चलते हैं इसको ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जैकि, जैसा कि मैंने आपको बोला था हर चैप्टर ऐसा नहीं है लेकिन पहले एमपी के बारे में आपको साझा तो करवाना पड़ेगा राइटर को तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है कि एमपीपीएससी के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो हार्ड जोड़कर राइटर एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि बेटा थोड़ा सा एमपी के बारे में तो जान लो ठीक है तो यहां पर आप देखो मुरैना दतिया भिंड और शिवपुरी मैंने आपको शिवपुरी के बारे में यह वाली चीज बताई थी देखो ये एमपी की बाउंड्री कुल मिलाकर ऐसी है ये ऐसी है तो ये देखो इतना जो गैप रह गया मैंने बात करी थी आपसे पहले लेक्चर के अंदर तो ये इस लिहाज से यूपी को टच कर रहा है, ये जो इतना गैप रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है ये तो कवर्ड है ये तो लैंडलॉक सा दिख रहा है मुझे नहीं ये जो इतना गैप रह गया ना ये वाला जो गैप है ये 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 टच करता है यूपी को ठीक है तो ये हो गया शिवपुरी ठीक है यूपी को तेरह डिस्ट्रिक टच करती हैं और देखते हैं और आराम से करके चलते हैं क्योंकि आपके लिए पहली बार है उसके बाद अशोकनगर सागर और टीकमगढ़ अशोकनगर सागर और टीकमगढ़ ये रहा दोस्तों अशोकनगर सागर और ये रहा टीकमगढ़ टीकमगढ़ तो नॉर्मली आपको यहीं पर दिख जा रहा है कि यूपी की सीमाओं से टच कर रहे हैं बात आती है कि नीचे वाला सर आप कैसे कह सकते हो नीचे वाला मैं कह सकते हो देखो अशोकनगर का ये वाला हिस्सा फ्री ये यूपी को टच कर रहा है ऐसे माना गया कि यूपी को टच कर रहा है ठीक है कि यहां से निकलकर ऐसे जाया जा सकता है और यह है सागर यहां पर डीएसपी की ट्रेनिंग होती है ठीक है क्योंकि मैं अगेन आपको बोल रहा हूं अगर मैं एक बाउंड्री बना दू ध्यान से सब लोग देख लो एक बार इसे ये एमपी की नर्दन मोस्ट बाउंड्री है ये कुछ ऐसे है ये वाली बाउंड्री दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कभी मत होना ये एमपी की बाउंड्री जो है ये कुछ इस प्रकार से है नर्दन बाउंड्री एमपी की ठीक है तो ये आपको दिख रहा है ये अशोकनगर के लिए यहां से यहां निकला जा सकता है और सागर अगेन यहां से यहां ऐसे करके निकला जा सकता है ओके कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी ठीक है कितनी हो गई कवर सात हो गई उसके बाद निवारी छतरपुर जहाँ खजुरा मंदिर है और पन्ना जहां पन्ना टाइगर रिजर्व है ठीक है सुना होगा आप लोगों ने निवारी फिफ्टी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी का ठीक है हमने इसके बारे में भी पढ़ा था तो निवारी छतरपुर और पन्ना ये है दोस्तों निवारी ये है छतरपुर और ये है पन्ना पन्ना तो बिल्कुल आपको सीधा दिख रहा है छतरपुर यहां दिख रहा है और नेवारी आपको यहां दिख रहा है नेवारी जो है वो फिफ्टी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी का तो एमपी के अंदर कुल मिलाकर कितने हैं 52 लेटेस्ट कौन सा है नेवारी और नेवारी को कब डिक्लेयर करा गया था एज सेपरेट डिस्ट्रिक्ट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट 2018 के अंदर ओके okay? कितने हो गए 10 हो गए उसके बाद सतना सतना रेवा और सिंगरौली सतना रेवा सिंगरौली सतना रेवा और सिंगरौली ये सतना ये रेवा और ये सिंगरौली मैंने अगर बॉक्स बनाए अगेन ये मत करना कि ये ऐसा मत सोचना मैंने जो बॉक्स बनाया सिर्फ ये यूपी है ये पूरा का पूरा आपको जो हिस्सा रहा है पूरा यूपी ही है ठीक है कितने हो गए यूपी से टच करते हुए तेरा. अब यहां पर दोस्तों आपको यूपी की डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेंगी जैसे इस फोटो में यूपी की डिस्ट्रिक्ट नहीं दिख रही है लेकिन मयूर मुझे एक बात बताओ ठकुरै ने एक बात बताओ मोरेना अगर यहां पर हम कह रहे हैं कि ये सारे तेरह की तेरह डिस्ट्रिक्ट जो हमारे स्क्रीन पर है ये एमपी की सीमा को टच कर रही है ये यूपी की सीमा को टच कर रही है एमपी की डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन यहां पर फिर जिसको वो टच कर रही है तो यहां पर सामने कुछ यूपी की डिस्ट्रिक्ट भी तो होती होंगी ना जिसको टच कर रही है है ना यूपी को अपने आप में ऐसा तो है नहीं कि उसका नाम यूपी है और यूपी के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है हमें लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है लेकिन फिर भी राइटर ने हमारे लिए एक चीज बहुत आसान कर दी है यहां पर कि बगल में बस एक ओवरऑल लिस्ट दे दी है हमें ठीक है क्या दे दी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न स्ट्रिक्स जो ये उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो जो सीमाएं जो लगती हैं मध्य प्रदेश के साथ जो कि उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश को टच करते हैं अगर ये क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ ऐसा आ गया या ऐसा आ गया कि कौन कौन से यूपी के जिले एमपी को टच करते हैं और एमपी के कौन कौन से जिले यूपी को टच करते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाए तो यूपी के कौन कौन सी जो बाउंड्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट की वो एम को टच करती हैं उसका आंसर है आगरा इटावा जलाऊ झांसी ललितपुर महोबा हामिरपुर, बंदा, इसको बांडा भी कहते हैं ना यू ये प्रोनाउंस कैसे करते हो तुम लोग इसको बांदा ना ठीक है बांदा बांदा चित्रकूट प्रयागराज <laughs> मिर्जापुर और सोनभद्र ठीक है फेवरेट उसके बाद राजस्थान एमपी की सीमाएं राजस्थान को भी टच करती हैं दिस इज राजस्थान दिस इज राजस्थान ठीक है राजस्थान के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा मुरैना ये मतलब एमपी की कौन कौन से जिले राजस्थान को टच कर रहे हैं दस कर रहे हैं टोटल टेन है मुरैना श्योपुर शिवपुरी गुना मुरैना शिवपुर शिवपुरी गुना ठीक है उसके बाद राजगढ़ अगर मालवा, रतलाम रतलाम मैंने बताया था जब भी मेट में वो रतलाम की गलियों में घूमते हैं जब उसकी ट्रेन मिस हो जाती है रात को वो जो होटल लेते हैं राजगढ़ अगर मालवा, रतलाम राजगढ़ अगर मालवा, रतलाम रतलाम दोस्तों ऐसे ये जो स्पेस ओपन दिख रहा है आपको दिस इज राजस्थान ठीक है सात हो गई टोटल दस हैं राजस्थान वाली तीन और कौन सी बाकी है नीमच मंडसौर एंड झबुआ नीमच मंडसौर एंड झबुआ नीमच मंडसौर एंड जबुआ जबुआ यहां पर है क्योंकि तो रतलाम इसके ऊपर है रतलाम तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है रतलाम में चाहे आप यहां से देख लो उसको चाहे यहां से देख लो और जभुआ भी अगेन यहां से तो ये हिस्सा राजस्थान का अब यहां से आपको एक क्वेश्चन मैं ये बता देता तो हूँ एक्स्ट्रा कि कौन कौन से ऐसे कॉमन जिले हैं जो कि यूपी को भी टच करते हैं और राजस्थान को भी टच करते हैं तो उसका आंसर है दोस्तों एक आपके सामने मुरैना और एक आपको यहां पर देखने को मिला था शिवपुरी ठीक है इस साइड से शिवपुरी टच कर रहा है राजस्थान को इस साइड से टच कर रहा है यूपी को सिमिलरली मुरैना इस साइड से टच कर रहा है राजस्थान को और मुरैना इस साइड से टच कर रहा है यूपी को इस तरह के क्वेश्चन भी आप रखना डोंट वरी वीडियो को देखोगे आप जितने बार उतने बार आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं ऐसा सिर्फ एक ही चैप्टर में करना पड़ता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी टोटल हंड्रेड परसेंट है जितना इस चैप्टर पे टाइम बिताओगे उतना डीएसपी एसडीएम बनने के चांसेस एमपी के अंदर एक ही बार में उतने क्लियर हो जाएंगे अब राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि एमपी को टच करते हैं तो उसका आंसर है बंसवारा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा झलावर बारा सवाई सवाई माधोपुर करौली धौलपुर ठीक है ये सारे के सारे जिले हैं जो कि टच करते हैं राजस्थान के जो ये जो जिले हैं एमपी की सीमा को टच करते हैं बात करते हैं महाराष्ट्र की ठीक है बात करते हैं महाराष्ट्र की एमपी के कौन कौन से ऐसे जिले हैं नौ जिले हैं जो कि महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं बालाघाट सियोनी छिंदवाड़ा एंड बेतुल बालाघाट सियोनी छिंदवाड़ा बैतुल ये है नीचे महाराष्ट्र बालाघाट सियोनी छिंदवाड़ा और बेतुल ठीक है ये है आपका महाराष्ट्र उसके बाद खंडवा बुरहानपुर खरगांव खंडवा बुरहानपुर एंड खरगांव या खरगोन कुछ भी बोलो इसके लिए दो नाम और हैं इसको बोलते हैं ईस्ट खंडवा को ईस्ट निमार डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं और खरगोन को वेस्ट निमार डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं ठीक है ये ईस्ट और बात है ईस्ट हमेशा कैसे होता है ये ईस्ट होता है ये वेस्ट होता है तो ये वाला जो खरगोन है वो वेस्ट और खंडवा जो है वो ईस्ट निमार ये वाली बात याद रखना कितने हो गए सात हो गए ना नौ थे टोटल दो और देखने हमें हमारी जो दो और हैं वो है बरवाणी बरवाणी और अलीराजपुर ठीक है जो कि महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं बरवानी और अलीराजपुर ये है बरवानी एट और अलीराजपुर नाइन अब क्योंकि ये जो टोटल एरिया जो नीचे का देख रहा है ये ये पूरा पूरा का पूरा है ये, यहां से यहां तक पूरा का पूरा महाराष्ट्र ठीक है।, है ये ये वाली बात आप याद रखना अब जो हमारे सामने है सॉरी जो हमारे सामने है, अब छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर सात हैं जिले सिंगरौली सिधी शाडोल अनूपपुर सिंगरौली सिद्धि शाडोल अनूपपुर यह है छत्तीसगढ़ सिंगरौली सिद्धि शाडोल एंड अनूपपुर उसके बाद डिंडोरी मंडला एंड बालाघाट डिंडोरी मंडला एंड बालाघाट अब दो कॉमन अब दो कॉमन ऐसे जिले या फिर कॉमन ऐसे जिले जिनकी सीमाएं महाराष्ट्र को भी टच करती और छत्तीसगढ़ को भी तो उसका आंसर एक तो हो गया सिंगरौली एक तो यूपी को वो टच कर रहा है और एक नीचे छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है सिंगरौली जो है एक तो यहां पर आपको टच करता हुआ मिलेगा यूपी को और नीचे टच कर रहा है ये छत्तीसगढ़ को ठीक है सिमिलरली एक ऐसा जिला जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है वो है बालाघाट यहां से टच कर रहा है छत्तीसगढ़ को यहां से टच कर रहा है महाराष्ट्र को ओके okay? उसके बाद लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बचता है डेट इज गुजरात सबसे कम एरिया गुजरात के द्वारा शेयर करा जाता है जो कि टच करता है एम को यहां पर है आपके सामने झभुआ और अलीराजपुर ठीक है ये आपका गुजरात इधर देखिए यहां है गुजरात और ये झबुआ और अलीराजपुर अब यहां दो कॉमन ऐसे जिले जो अलीराजपुर जो है वो ऊपर से गुजरात को टच करता है नीचे से महाराष्ट्र को जो ये झबुआ है वो राजस्थान को टच करता है ऊपर से और सामने से गुजरात को टच कर रहा है तो अगेन ये आपकी दो कॉमन ऐसी डिस्ट्रिक्ट की दो जिलों दो राज्यों को टच कर रही है नीचे एक चीज और कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एमपी को टच करते हैं नंदुरबार धूले जलगांव बुलधना अमरावती नागपुर भंडारा गोंडिया छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं बलरामपुर सूरजपुर कोरिया बिलासपुर मुंगेली कबीरधाम राजनंद राजनंदगांव गुजरात के अंदर दाहोद और छोटा उदयपुर अब मैंने ये मार्क जो करा है अलग अलग कलर से आपको इस मैप के अंदर कुछ ऐसे जिले भी दिख रहे होंगे जो कि जिनको हमने नंबरिंग नहीं दी है जिनको हमने बिल्कुल नंबरिंग नहीं दी है अब जिसको नंबरिंग नहीं दी है ना अगर आपको ये सारे याद है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं एम के ठीक है जो कि अब यहां पर लैंड का मतलब ये है वैसे तो हम लैंडलॉक लिए कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी समुद्री इलाका ना हो आसपास लेकिन यहाँ पर जो लैंडलॉक का मतलब निकल कर आता है वो ये है कि मध्य प्रदेश के पास टोटल ऐसे अठारह जिले हैं जो कि किसी भी दूसरे राज्यों की सीमाओं को टच ही नहीं करते हैं ठीक है तो जैसा कि आपको ये देखने को मिलेगा ग्वालियर विदिशा उज्जैन धर इंदौर देवस शाहजहाँपुर सीहोर भोपाल रायसेन होशंगाबाद हरदा नरसिंहपुर दमोह, कटनी जबलपुर मंडला एंड उमरिया चैप्टर हमारा खत्म हुआ अगर इसके कुछ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जोग्रफिकल एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश ये हमने यहां पर देखा था हो सकता है आपको याद ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये हमने इस जगह देखा था कि इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है ये कितने से कितना कहां तक फैला हुआ है और जोग्राफिकल इसकी जो सेंटर है वो कहां पर है ठीक है और कौन सा इसको टच करता है बीच में से कौन सा लैटिट्यूड टच करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है यहाँ पर, 26 26 north, तो यहां पर ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ सेवेंटी फोर डिग्री ईस्ट टू एटी टू डिग्री 48 एट मिनट ईस्ट तो यहां करेक्ट आंसर क्या क्या होना चाहिए ऊपर देखो नॉर्थ का क्या है ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ ट्वेंटी सिक्स डिग्री अरे ध्यान से देखो ना ये देखो ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ क्या है यहां पर आंसर क्या होना चाहिए जैद क्या क्या कह रहे हो सी ये आप ये कह रहे हो सी देखते हैं इसका करेक्ट आंसर वन का ए है क्योंकि यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स डिग्री ये इधर ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ टू ट्वेंटी वन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ देखो ट्वेंटी सिक्स डिग्री थर्टी मिनट नॉर्थ टू ट्वेंटी वन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ डन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो सेवेंटी फोर डिग्री नाइन मिनट ईस्ट टू एटी टू डिग्री फोर्टी एट मिनट ईस्ट हल्का फुल्का आपको चेंजेस वो देखने को मिलेंगे लेकिन ठीक है मतलब आपका मतलब थोड़ा सा बस उन्होंने ऊपर नीचे ऑप्शंस को ऐसे करके वो घुमा के फिरा कर दे दिया बात यही है व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया सेकंड टू का बी उसके बाद है कहाँ गया ये वॉट वॉज द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑन फर्स्ट नवंबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कुछ कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कि मतलब हो सकता है कि चैप्टर की भी जाकर आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ज्यादा अच्छे से मिल जाए उनके आंसर का है सी फोर लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स स्क्वायर किलोमीटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रेट्स ऑफ एमपी या देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितनी हुई आंसर एस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टच इज बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात राजस्थान और गुजरात को जो टच करें दोनों को टच कर रहे राजस्थान और गुजरात जब हुआ सामने से गुजरात को यहां से राजस्थान को अभी हमने पढ़ा ना वेरी गुड बेस में फिफ्थ का डी उसके बाद हाउ मेनी इनलैंड और लैंडलॉर्ड डिस्ट्रिक्स आर दियर इन मध्यप्रदेश अभी हमने ऊपर पढ़ा ये लिस्ट हमने कितने की पढ़ी है नीचे एटीन निस इज एटीन विश स्टेट लाइज इन द सर्दर्न डायरेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश सर्दर्न डायरेक्शन वेरी गुड और ये दो चीज़ विजिबल भी है हमें मैप से इसलिए मैं मैप के थ्रू आपको बार बार लर्न करवा रहा था बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए डुएबल बन गए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है आपके सामने महाराष्ट्र नीचे सदर्न डायरेक्शन ठीक है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हु कॉल्ड मध्य प्रदेश हैज़ हार्टलैंड ऑफ इंडिया हृदय प्रदेश पंडित नेहरू एट का विच वैली इज डिस्प्यूटेड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अब ये चीज नहीं है आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ ये थिंग है ठीक है तो इसका आंसर है किरार वैली ठीक है तो थ्रू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये वाले कि जरूरी नहीं कि आप चैप्टर समझो चैप्टर पढ़ लो आप सोचो हम सारा पढ़ लें और हम ऐसे जैसे आपने तमिलनाडु बुक्स देखी ना आपने कैसी होती है एंड के टाइम पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो चैप्टर से मैच नहीं करते हैं मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सर्च करना पड़ता है उसके बारे में होता है ना यह चीज ऐसी है। ऑथर ऑफ द स्टेट एम्बलम ऑफ मध्य प्रदेश टेन का सी है महेश श्रीवास्तव वॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमने पढ़ा था इसको नॉर्थ टू साउथ कितना है छह सौ पांच और ईस्ट टू वेस्ट कितना है आठ सौ सत्तर तो क्या होगा इसका आंसर ए ग्यारह का ए ट्वेल्व बताओ इन नाइनटीन एटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग वर डेजिग्नेटेड ए स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल रेस्पेक्टिवली दो त्रराज ट्वेल्व का सी उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से पास होता है मध्य प्रदेश की कौन सी है वो बिल्कुल ईस्टर्न साइड पर सिंगरौली थर्टीन का है बी और ये हमने यहाँ पर देखा था ये है सिंगरौली ये बिल्कुल यहाँ से कट कर रहे ना ये वाली लाइन ये देखो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से ठीक है उसके बाद विच विलेज इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द जोग्राफिकल सेंटर विलेज ऑफ इंडिया हमने कुछ सेंटर्स देखे थे बताओ करौंदी कटनी यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं करौंदी ठीक है फोर्टीन का ए बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट और नियर एट 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आपको देखना है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो एट्टी डिग्री ईस्ट है ना तो लेफ्ट साइड जाना है कि राइट right साइड जाना है राइट right साइड तो कुछ है ही नहीं लेफ्ट साइड जाना है इनमें से किसी की बात चल रही होगी या इनमें से किसी की बात चल रही होगी तो ऑप्शन देखकर हमें पता होना चाहिए कि वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है ऐसे अगर क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आए आप बस कर देना उनको जाकर थोड़ा सा इंडिया के मैप के लिहाज से भी जब आप देखोगे तब तो आपको आइडिया लग जाएगा लेकिन इसके आसपास ही होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है थोड़ा सा ये ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है इसका आंसर है 15 का जबलपुर। तो यानी कि यहां है ये डिग्री ये जो कि जबलपुर यहां पर है ठीक है ये लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि आप हर एक लॉन्गिट्यूड को बैठकर तो आप प्रिपेयर कर नहीं सकते हो लेकिन फिर भी इंडिया के बैप को देखते देखते धीरे धीरे कर सकते हो नहीं भी है तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही टिक कर कर आ सकते हो नेगेटिव मार्किंग नहीं है समझ में आया पूरा चैप्टर हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करा कुछ भी ऐसी चीज है जो चैप्टर में पल लेना पड़ी हो बताओ ठीक है तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेखना ही थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ